बिहार के राज्य सरकार की केंद्र सरकार से अदावत जग जाहिर है। इस जंग में अब राज्यपाल और राजभवन भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार सरकार ने विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए खुद आवेदन मांग लिया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि राजभवन ने पहले ही कुलपतियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाल दिया था, लेकिन बिहार सरकार ने राज्यपाल को दरकिनार करते हुए खुद नियुक्ति का विज्ञापन निकाल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं खुशबू झा। राज्यपाल ही बिहार के यूनिवर्सिटीज के चांसलर यानी कुलाधिपति होते हैं। कुलपति यानी वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। ऐसे में बिहार सरकार का इसके लिए विज्ञापन निकालना कई सवाल खड़े करता है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सूबे के 7 विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, LN मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा और आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी पटना के कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। शिक्षा विभाग ने कुलपति पद के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 सितंबर तय की है। आवेदकों से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन मांगे गए हैं। शिक्षा विभाग ने कहा कि कुलपति की नियुक्ति सर्च कमेटी के जरिए की जाएगी। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। पद के लिए आवेदन देने वाले की उम्र 67 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक को कम से कम 10 साल प्रोफेसर के पद पर पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा रिसर्च के क्षेत्र में योगदान सहित और भी कई नियम इस पद के लिए शिक्षा विभाग ने बताए हैं। इससे पहले राजभवन ने 2 से 4 अगस्त तक अखबारों में पटना विश्वविद्यालय, KSD संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, LN मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा और आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। इन पदों के लिए आवेदन देने की लास्ट डेट 24 से 27 अगस्त तक की है। यूनिवर्सिटीज को लेकर राजभवन और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के बीच पहले से ही टकराव चल रहा है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने यूनिवर्सिटी के कुलपति और प्रतिकुलपति का वेतन रोकने का आदेश दे दिया था। इसके बाद राजभवन ने सरकार को कड़ा पत्र लिखा। राजभवन ने साफ कहा था कि यूनिवर्सिटी के संबंध में कोई भी फैसला लेने का अधिकार सिर्फ कुलाधिपति यानी राज्यपाल को है, लिहाजा शिक्षा विभाग इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। लेकिन शिक्षा विभाग ने राजभवन को जवाबी पत्र लिखकर राज्यपाल का आदेश मानने से इनकार कर डाला। हालांकि बिहार में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला सुना चुका है। उस फैसले के मुताबिक कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करेंगे, लेकिन उन्हें उससे पहले कुलपतियों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन करना होगा। सर्च कमेटी की सिफारिश के बाद सरकार के साथ विचार विमर्श करके राज्यपाल को कुलपति की नियुक्ति करनी है। लेकिन बिहार के शिक्षा विभाग ने खुद ही कुलपति की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया।